ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। मुझे बहुत खुशी है, हमारी सरकार बहुत से काम कर रही है, जो प्रचार के तौर पर आप लोग बहुत से लोग उसको जानते भी हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद अपने ऐप पे मौजूद हैं, देश की जनता को उस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन समाज के ऐसे व्यक्ति जो जिनको दिक्कत थी, जो विकलांग हैं, उनकी चिंता करने के लिए पहले टोकनिज्म होता था, एक दो को कोई नेता आए, दो चार साइकिल बांट दी, फोटो खिंचवाया और चले गए। अब ऐसा नहीं है। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी का जो मंत्रालय है वो सर्वे कराता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर लोकसभा क्षेत्र में सर्वे कराकर एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बचे जिसको मदद सरकार की तरफ से नहीं हो, इसकी चिंता की जाती है। इसलिए खुद अकेले मनोज तिवारी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के 500 से ज़्यादा लोग सर्वे करके यहाँ बुलाए गए हैं। पहले पूरे साल में 500 रिक्शा बंटता था, अब एक एक जगह हजारों और लाखों, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक व्यक्ति भी बचे नहीं जिसकी मदद सरकार की तरफ से मिले नहीं। और यही वजह है कि सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। और रोटरी क्लब का तो जब कोई चिंता नहीं करता था तो रोटरी क्लब के लोग चिंता करते थे, जिसकी चिंता सरकार न करे, जिसकी चिंता समाज न करे, उसकी चिंता रोटरी क्लब के लोग करते हैं। और मैंने निस्वार्थ भाव से इनको काम करते हुए देखा है। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जब इस तरह के कि बाइसाइकिल, कुछ हेयरिंग एड, ये सब बांटने का कार्यक्रम होता था, तो मुझे याद है पिछले 15-16 साल पार्लियामेंट में रहने के बाद मैंने सरकार की तरफ से 15 भी बांटते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन रोटरी क्लब के लोगों ने जब भी उनको कहा तो उन्होंने बांटने का काम इसको किया है। तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको एहसास कराता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा समाज, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं इनकी किसी बात को टालता नहीं, और वैसे भी आदरणीय मोदी जी की सरकार अपने जितने दिव्यांग भाई बहन हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरे देश में इस तरह का अभियान चलाया हुआ है। तो इसलिए जो भाई मनोज तिवारी जी ने कहा है कि 80 हों, 90 हों, 100 हों, 150 हों, जितने भी हों इनके लोकसभा क्षेत्र में, 80% से ज़्यादा जो विकलांग हैं सबको 15 अगस्त के बाद सबको मोटराइज साइकिल दी जाएगी। ये आपको बीच में मैं भाई मनोज तिवारी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम अब बनने में तैयार लगेगा तो इनके क्षेत्र में ही आएंगे, वहीं पर सबको देंगे। हमारी सरकार का, मोदी सरकार का एक दिव्यांग भाई बहनों को सुविधा देने का प्रक्रम चल रहा है, उसमें आज एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ट्राई साइकिल, हियरिंग एप और जो ब्लाइंड लोग हैं उनको एक छड़ी है जो बहुत ही कमाल की छड़ी है, ये सब चीज़ दी जा रही है और ये अच्छा कार्यक्रम है। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे थोड़ी समस्या भी आई है अभी, जैसे कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि बैटरी रिक्शा चाहिए, वो लोग 80% से जो ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको बैटरी रिक्शा देने का प्रावधान है, लेकिन उसमें एक जो बात है जो सबको समझ में नहीं आ रही है कि वो करीब 35-37 हज़ार का रिक्शा होता है, उसमें 25 हज़ार ही केंद्र सरकार दे रही है, तो जिसको भी ये समस्या है उसको बाकी 10-12 हज़ार रुपये या तो खुद के पास से करते होंगे या कोई ना कोई इसके लिए करें। आज कितने लोगों को
बैटरी रिक्शा आज नहीं दिया जा रहा, नहीं दूसरे जो उपकरण दिए दूसरे दिए जा रहे हैं वो संख्या में करीब 1200 के आसपास है। ट्राई साइकिल है, डिजेबल एड मशीन है, जो छड़ी है, वो सब मिला करके करीब 1200 लोगों को देने का टारगेट है।